हम अभी बात करेंगे वो प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स क्रिएशन है। प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स क्रिएशन, मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ। प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का सबको पता होता है कि हाँ जवाब देना होता है या जवाब होता है। जवाब हम कब देते हैं, जब हमसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है या कोई कहीं पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो प्रॉम्प्ट एक्चुअली रेफर्स टू क्वेश्चन। तो इन शॉर्ट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एंड देन उसका आंसर लिखेंगे। अब जबकि इस टोटल प्रोजेक्ट का नाम है टॉक्सिक प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स क्रिएशन, दैट मीन्स कि आपको नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव यानी हार्मफुल क्वेश्चन बनाना है, जैसे एक नेगेटिव वाइब फैलाने लायक क्वेश्चन बनाना है, बट उसका आंसर एकदम न्यूट्रल एंड पॉजिटिव लिखना है। एग्जाम्पल, आप लोग सोचेंगे मैडम इट्स नॉट गुड कि हम लोग कोई नेगेटिव क्वेश्चंस बनाएं या फिर नेगेटिविटी के कुछ भी हो उस तरीके का कुछ प्रमोशन करें, इट्स नॉट अलाउड। ऑफ़ कोर्स इट्स नॉट अलाउड, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम AI मशीन को ट्रेन करेंगे। दैट इज़ द रीज़न हम क्या करेंगे, जब भी कोई यूज़र तो कुछ भी पूछ सकता है, राइट? हम यूज़र को रोक नहीं सकते हैं कुछ भी पूछने से। अगर यूज़र कुछ भी नेगेटिव पूछता है तो आपका AI मशीन किस तरीके से रिप्लाई करेगा, वो ट्रेनिंग के लिए हमें वो मटेरियल तैयार करना है। सो हम यूज़र के मोटिव में सोचेंगे, मतलब यूज़र जैसे सोच सकता है, कोई भी यूज़र को हो सकता है, किसी 10 साल के बच्चे के दिमाग में कि उसने कुछ ऐसा वीडियोस, आजकल सारे छोटे बच्चे YouTube वीडियोस दिस एंड दैट सब देखते हैं, कुछ भी दिमाग में आता है, देन दे स्टार्ट थिंकिंग, अच्छा मैं एक बार ये सर्च करके देखूं, मैं कुछ वो सर्च करके देखूं। हो सकता है वो जो सर्च कर रहे हैं वो सही ना हो, तो उसका क्या जवाब AI मशीन उन बच्चों को देना चाहिए ताकि वो सही रास्ता चुन सके। फॉर दैट रीज़न हम लोग टॉक्सिक प्रॉम्प्ट एंड न्यूट्रल रिस्पॉन्स क्रिएशन का काम करेंगे। आइडियली आप यूज़र मोटिव के हिसाब से क्वेश्चन बनाओगे जो नेगेटिव होगा, बट लीगली जो आंसर सबको मिलना चाहिए वो हम एज अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स के तौर पे हम लिख के देंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू पोर्टल, आप जिस पोर्टल पे काम करोगे पहले हम पोर्टल देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पोर्टल का आइडिया ले लेते हैं, देन हम लोग गाइडलाइंस पे चलते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वहाँ पे क्यों लिखना चाहिए, that all we will understand. Ma'am, please record the session. Sorry? Please record the session, please. Yeah, session is recorded, don't worry. I hope my screen is visible to all. Yeah, is it? आपका प्लेटफॉर्म ये रहेगा, हम लोग आपको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देंगे जिससे आपको आपका काम करना है। पैनल आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा, आप ये यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा रहेगा, साइट लिखा रहेगा, फाइल नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। हमारा काम है सिर्फ यहाँ पे एक चेंज करने का। हम लोग सर्च बटन में जाके RAIHIIN MAB ये चूज करेंगे, देन हमें एक शीट मिलेगा। जस्ट अ मोमेंट, हमें कुछ इस तरीके का शीट मिलेगा। हमें उस शीट से क्या करना है, जो फाइल नेम दिया गया है आपको फाइल नेम कॉपी करना है। यहाँ फाइल नेम के अंडर जो यहाँ पे लाइक, हाँ जी या मैं आपका स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ। इज दैट पारुल? किसको नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन? संगीता। संगीता, सब बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। संगीता लॉग आउट, यस मैम, मीटिंग छोड़ के दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो। यस मैम, आप मीटिंग से एक बार लॉग आउट होके दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करो। ठीक है, ठीक। तो हमें फाइल नेम के अंडर जो यहाँ पे खाली स्पेस है हम यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी करते ही हमारा जो भी यहाँ पे फाइल होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। यही वाला हमारा एडिटिंग ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल ओपन होता है।
तो आप जो देखोगे पहले जब भी ओपन करो एक बार फाइल नेम मैच कर लेना, यहाँ पे सीरियल नंबर 0140 ओपन जनरेट इंस्ट्रक्शन, INST का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, ओपिनियन लिखा है। आप एक बार अपने फाइल नेम के साथ भी चेक कर लेना, ओपन जनरेट INST ओपिनियन है तो फाइल नेम इज करेक्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, ये है एक सेक्शन, टोटल एक फाइल में आपको 25 क्वेश्चन एंड आंसर लिखने होंगे, ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन एंड आंसर लिखने होंगे। जब आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टास्क कैटेगरी दिखेगा, डोमेन इन प्रॉम्प्ट टाइप, प्रॉम्प्ट फैक्चुअलिटी, फैक्चुअलिटी इंड्यूसिंग, कीवर्ड्स, स्टेटस, ये ही रहेगा आपका एज अ फैक्टर। यहाँ पे आपका स्टेटस तब चेंज होगा जब आप यहाँ पे स्टेटस चेंज करोगे। ये आपका क्वेश्चन लिखने का सेक्शन है, ये जो डॉट पहला डॉट डॉट देख रहे हो, इसके बाद जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन लिखोगे। नेक्स्ट आता है ड्रॉप डाउन रेस्पॉन्स फैक्चुअलिटी, रेस्पॉन्स स्टाइल, देन डॉट डॉट का एक जो लाइन आएगा, इसके बाद आपका रहेगा रेस्पॉन्स। तो प्रॉम्प्ट लिखोगे ऊपर, नीचे लिखोगे रेस्पॉन्स, क्वेश्चन और आंसर। ये यहाँ तक क्लियर है? ये सब आपके आईडीज में जो आपको आईडीज असाइन होगा, ये नॉन एडिटेबल होगा, ये नॉन एडिटेबल होगा, ये भी नॉन एडिटेबल होगा। आपके पास एडिटिंग के लिए सिर्फ डोमेन फैक्चुअलिटीज रहेंगे, ये दो फैक्चुअलिटीज रहेंगे, यहाँ का फैक्चुअलिटी रहेगा, यहाँ का स्टाइल रहेगा, एंड देन ये रेफरेंस लिंक रहेगा। आप जब इस लिंक आपको जब जरूरत पड़ेगा, आप इस रेफरेंस में आप कहाँ से रेफरेंस लिए हो इस क्वेश्चन के लिए, उसको आप डालने के लिए ये रेफरेंस लिंक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो 31 words, 179 words, जिस सेक्शन पे यहाँ पे जितना सारा आप लिखोगे वर्ड्स, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता रहेगा। इज दैट फाइन, समझ में आ गया? जब भी आप इसको कंप्लीट करोगे, जब पूरे 25 के 25 क्वेश्चन खत्म करोगे, ये फाइल का स्टेटस स्टार्टिंग में हमेशा नॉट एडिटेड रहेगा। पहला जो ऑप्शन होगा नॉट एडिटेड, जब तक आप इसका पूरा काम कंप्लीट नहीं करते हो, ये एडिटिंग स्टेटस में ऑटोमेटिक चला जाएगा। जब आप पूरा कंप्लीट करोगे, आपको ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट चूज करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करना, 25 आंसर्स भी कंप्लीट करना, उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पे जो पेन ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक करना, डोमेन में ओपन एंडेड जनरेट चूज करना, हमेशा हमेशा मतलब यहाँ पे देख के, अगर ये ओपन QA लिखा है तो यहाँ पे ओपन एंडेड QA चूज करोगे, ये वाला, अगर ऊपर यहाँ पे इस फाइल नेम में ओपन QA लिखा है, बट अगर ओपन जनरेट लिखा है तो ओपन एंडेड जनरेट ही चूज होगा वो। देन टॉपिक यानी डोमेन में, जो डोमेन आपने सिलेक्ट किया होगा यहाँ पे इस सेक्शन में, वो डोमेन आप टॉपिक को सिलेक्ट करना, देन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट डालना एंड सेव करना। अगर आपके फाइल में कुछ भी एरर होगा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करते वक्त, यहाँ पे एक रेड मार्क आ जाएगा, रेड एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट मीन्स आपके फाइल में एरर्स हैं और आपको वो फिक्स करना है। यहाँ पे भी आपको शो कर जाएगा कि आपके किस सेगमेंट में एरर है या फिर कितने सेगमेंट में एरर है। अगर जीरो एरर्स इन जीरो सेगमेंट्स दिखा रहा है, दैट मीन्स लिखा आपने कोई ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा है, आपने जितना रिक्वायर्ड चीज़ बोला गया था आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखा है, भले वो ठीक हो या गलत हो, बट पोर्टल के अकॉर्डिंग आपने हर ब्लैंक स्पेस को फिलअप किया है, करेक्ट है? ये हो गया आपका पोर्टल का काम। पोर्टल में इससे ज्यादा काम आप लोगों को कुछ नहीं करना है। श्वेता, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस हियर? रेफरेंस आई कम व्हाई आई हैव यूज्ड हियर रेफरेंस। रेफरेंस आइडियली मींस कि आप लोग जहां से भी जो लिखने के लिए जो रेफरेंस लोगे यानी सोर्स लोगे, हम लोग हर चीज तो अपने मन से लिख नहीं सकते हैं, हर चीज का नॉलेज भी नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग कहीं ना कहीं से सर्च करेंगे, और हमारे पास सर्चिंग का एक ही ऑप्शन है, दैट इज विकिपीडिया। हम लोग विकिपीडिया के अलावा किसी और साइट पे सर्च नहीं करेंगे। आपको जिस टॉपिक के रिगार्डिंग काम करना है, आप सिर्फ विकिपीडिया पे ही सर्च करोगे, ये रेस्ट्रिक्शन है। विकिपीडिया के अलावा हम कोई अदर लिंक्स यूज नहीं करेंगे, ना ही इसमें डाल सकते हैं। अगर हम डालते हैं वो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा, और जो भी ये फाइल करेगा उसका पेमेंट डिडक्ट होके जो फाइल सही से करेगा उसके पास चला जाएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि वो दूसरा वेंडर हो सकता है, या आप ही के टीम मेंबर्स में से कोई मेंबर हो सकता है, डिपेंड्स।
ठीक है राइट ओके तो पोर्टल के बारे में समझ में आ गया, हम गाइडलाइंस पे चले। कमिंग टू द गाइडलाइंस, आपको सिर्फ दो टास्क कैटेगरीज मिलेंगे, जैसे मैंने कहा ओपन एंडेड जनरेट, ओपन एंडेड क्यूए, राइट। अब ओपन एंडेड जनरेट का मतलब जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, इसमें हमेशा एक ऐसा होना चाहिए एज द नेम सजेस्ट। जनरेट का मतलब क्या है, कुछ पहले से ऑलरेडी है बट हमें कुछ बोला जाता है कुछ नया बनाओ। एक चीज़ है, हम बचपन से दाल फ्राई खाते आ रहे हैं, मतलब दाल तड़के वाला दाल खाते आ रहे हैं, आज के देर में वो दाल तड़का बन गया है, घी दाल फ्राई बन गया है, डबल दाल तड़का, बहुत सारे नाम बन गए। तो ये सारा क्या हुआ है, ये जनरेट हुआ है, पहले कुछ था अब भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए कुछ नया बना है। तो ऑब्वियसली जो रेसिपी पहले था उसमें जो अभी के लोग जो रेसिपी लिखेंगे वो ऑफकोर्स उसमें कुछ ऐड करके लिखेंगे, राइट। तो वो होता है आपका ओपन एंडेड जनरेट, ये ओपन माइंडेड है, हर किसी का एक नया तरीका होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि हर कंपनी के स्लोगन अलग अलग है, स्लोगन है बट हर कंपनी का स्लोगन अलग अलग है। दैट मीन्स एवरी कंपनी नीड्स अ स्लोगन बट देन ईच एंड एवरी वन हैज अ न्यू टाइप ऑफ स्लोगन एज पर देयर डिमांड। तो ओपन एंडेड का मतलब है जितने इंसान उतने तरीके की बातें, और जितना जनरेट होगा उतने तरीके की टाइप ऑफ राइटिंग आएगी। तो जब ओपन एंडेड जनरेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस मोटिव में स्टार्ट होता है। जैसे संदिग्ध में एक संक्षिप्त में लिखिए, यानी राइट ए पैराग्राफ, राइट ए स्मॉल पैसेज। हम लोग इसको हिंदी में ही लिखेंगे, कोई इंग्लिश में नहीं लिखेगा। मैं इंग्लिश में एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जब आप हिंदी में लिखोगे तो पैराग्राफ पैसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं उसी के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, ओपन एंडेड क्यूए, द प्रॉम्प्ट आस्क ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स अ कंप्लीशन व्हिच ड्रॉज एन आउटसाइड सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, जो नॉर्मल डेज में क्वेश्चन हाउ व्हेन लाइक ऐसा कुछ हम पूछते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल वे में लिखा गया क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट टाइप मिलेगा, वो है इंस्ट्रक्शन, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछना है आपको। अभी देखिए हम लोग कैसे बोलते हैं कि टॉक्सिसिटी कैसे होता है, व्हाई ऑल अरब्स आर टेररिस्ट। हम आइडियली आप रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी किसी को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो भाई तुम्हारे कॉम में तो सारे ही टेररिस्ट हैं, आप कभी किसी को नहीं बोलते, ये ऑफेंस है, इट्स अ लीगल ऑफेंस, वी कैन नॉट से एनी डे टू एनीवन लाइक दैट। बट जब ये ऐसा क्वेश्चन कोई ढूंढता है गूगल पे, लेट्स से गूगल एग्जांपल है, गूगल पे किसने ढूंढा, तो गूगल आपको जवाब कैसा देता है, बहुत एक न्यूट्रल जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि अरब ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट रहते हैं, अरब में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्किलफुल हैं, वहाँ के लोगों को ऐसा आता है, वो भी आता है, वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग हैं, वो लोग देश विदेश के रिलेशन में कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, बट कुछ लोगों की मानसिकता के वजह से ही अब उनके ऊपर दोषारोपण हो रहे हैं। अगर अरब देश में अगर इस तरीके के कानून यूटिलाइज हो जाएं तो वो देश भी बहुत शांति देश हो सकता है। आपको गूगल जब रिप्लाई देगा कुछ इस तरीके का रिप्लाई देगा, तो इट इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रल, आप किसी को बदनाम नहीं कर रहे हो, आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो उसमें, आप किसी को हैम्पर नहीं कर रहे हो आपके जवाब से, करेक्ट। नाउ कम्स फॉर फैक्चुअलिटी। फैक्चुअलिटी हम किसको बोलते हैं, आपका प्रॉम्प्ट जो है, फैक्चुअल का मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट। हम जो भी पूछ रहे हैं, हम जो भी जवाब दे रहे हैं, वो फैक्ट के बेसिस होना चाहिए। अब व्हाई ऑल अरब्स आर टेररिस्ट, ये क्वेश्चन फैक्ट नहीं है, आपको कहीं किसी बुक में, किसी मेडिकल बुक में, किसी हिस्टोरिक बुक में कहीं नहीं लिखा है कि उस देश के लोग या इस देश के लोग टेररिस्ट हैं, कभी नहीं लिखा है। तो फैक्ट क्या है कि नहीं, पूरा देश नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं, बाकियों में तो हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, कुछ ना कुछ खराबी होती है, ये है फैक्ट आपका। बट उस देश के लोग ही टेररिस्ट है, ये गलत है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फैक्ट क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन जो आप बनाओगे वो फैक्ट के ऊपर नहीं बनाओगे,
वो कम्प्लीटली इम्पैक्चुअल होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए कीड़े मकोड़े चलने पर, अगर कीड़े मकोड़ों को जब हम पौधे लगाते हैं और कीड़े मकोड़े चलने पर प्लांट्स को अगर हम कवर कर लें, पौधों को अगर हम कवर कर दें, तो कीड़े मकोड़ों की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी. जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं प्लांट्स पर, आपको लगता है अगर ये चीज़ हम एडवाइस के तौर पे किसी से पूछते हैं, क्या हम प्लांट्स को अगर पॉलिथीन से कवर कर लेंगे तो हमारी समस्या, कीड़े मकोड़ों वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी? तो आपको लगता है क्या ये, इसका जवाब अगर किसी ने भी, किसी नौसिखिए ने जवाब अगर लिख दिया कि हाँ हाँ आप कवर कर लीजिए अपने प्लांट्स को, सब ठीक हो जाएगा. अगर किसी फार्मर ने ऐसी चीज़ें पढ़ लिया और उसने अपने प्लांट्स में ये काम कर दिया, तो आपको लगता है ये सही होगा? हार्मफुल क्वेश्चन है, राइट? यस मैम. तो आपको, जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जवाब कैसे लिखोगे? जवाब कुछ ऐसा होता है कि नहीं, अगर आपको अपने प्लांट पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाना है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, उसको इस तरीके से छिड़का जाता है. ज़्यादातर लोग इसके लिए कृषि प्रतियोगिता प्रोग्राम्स देखते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे किस तरीके से कौन सा फार्मर कौन सी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रोपण करता है, कैसे बचाता है अपने सारे क्रॉप्स को और अपने सारे फार्मिंग को. तो उन सब से आप कुछ ज़्यादा अच्छा आइडिया ले सकते हैं. तो भटके हुए लोगों को, जो भटके हुए लोग गलत चीज़ें पूछते हैं, जब एआई मशीन से कुछ गलत चीज़ पूछा जाएगा तो वो उनको एक सही दिशा दिखाएगा. तो ये हमारा काम है. तो जब हम फैक्चुअलिटी की बात करते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा पोर्टल पे, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉम्प्ट फैक्चुअलिटी, इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन बनाया क्या ये फैक्ट पे आधारित है, तो ये हमेशा आपका नो रहेगा. प्रॉम्प्ट फैक्चुअलिटी इंड्यूसिंग, जो आपने क्वेश्चन पूछा है क्या वो फैक्ट मांग रहा है, फैक्चुअल आंसर मांग रहा है? यस yes. क्योंकि हम लोग हमेशा न्यूट्रल आंसर देंगे जो जनहित में जारी होगा. तो हमेशा ये वाला पोर्शन आपका यस रहेगा. एक्सक्यूज मी. रेस्पॉन्स फैक्चुअलिटी, जो आप रेस्पॉन्स लिख रहे हो क्या वो रेस्पॉन्स फैक्ट के ऊपर बिहाव है, बेस करता है? यस yes, बिहाव करता है वो. सॉरी. रेस्पॉन्स स्टाइल, रेस्पॉन्स स्टाइल में हमेशा आपको न्यूट्रल लिखना है, क्योंकि आप हर जो टॉपिक होगा, जो टॉक्सिक प्रॉम्प्ट आप लिखोगे, उसका आप न्यूट्रल जवाब दोगे. तो यहाँ के ड्रॉप डाउन में आपको न्यूट्रल लिखना है. आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब हम आते हैं कि टॉक्सिसिटी एंड हार्मफुल कंटेंट हम कैसे लिखेंगे. फिलहाल के लिए आपको ओपिनियन एंड एडवाइस का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं देंगे. हम आपको देंगे PII, देन आपका प्रिवेसी, सिक्योरिटी. आपके पास ये तीन चीज़ें होंगी जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? तो PII कैसे चीज़ों पे हम PII बना सकते हैं? PII का मतलब क्या है? मोस्ट अगर आप लोगों में से कोई भी लॉफ्ट का काम किए हो तो आप लोग कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो हम PII किसको बोलते हैं. PII का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन, या पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही पर्सनल रखा जाता है. यूजर्स अपने अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं करता है, नॉट इवन विद बैंक ऑफिसर्स, पुलिस से भी नहीं, जब तक कोई ऑथराइज्ड लेटर गवर्नमेंट से नहीं मिलता है कि हाँ इस केस में आपको शेयर करना पड़ेगा या ट्रैक करना पड़ेगा, तब तक के लिए कोई भी उनसे वो चीज़ नहीं ले सकता है. एग्जाम्पल क्या क्या है? नाम है, एड्रेस है, पर्सनल ईमेल आईडी है, किसी का SSN नंबर हो सकता है, कोई भी आईडीज हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है, फ़ोन का नंबर हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, या फिर किसी भी पोर्टल का अकाउंट नंबर हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का पासवर्ड भी हो सकता है.
ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इन सब के ऊपर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब बात है कि हम नेम के ऊपर जैसे एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे जो आप देखोगे ना ये सब एक एग्जाम्पल्स है। ये जो क्वेश्चंस बना है ये एग्जाम्पल है कि हम इस तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं, किसके ऊपर, किसी का भी नाम लेकर, किसी का रियल नेम पूछना, या फिर किसी के नाम का कुछ डुअल मीनिंग निकालना, किसी के बारे में, अरे यार मुझे किसी, आई नीड टू पोस्ट अ लेटर इन समवनस इन दैट पर्सनस एड्रेस, कैन यू प्लीज लेंड मी द एड्रेस। तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल नहीं है। कोई कोई स्ट्रेंजर को आप किसी और का एड्रेस क्यों दोगे? जिस इंसान को आप जानते भी नहीं हो आप किसी को एड्रेस क्यों बताओगे? हो सकता है वो इंसान गलत हो। अगर आपको किसी के घर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस इंसान का सिर्फ नाम लेके नहीं आओगे, आप उस इंसान का अपने पास एक रफ एड्रेस तो लेके आओगे ना, ताकि कोई भी उस चिट्ठी को पढ़ के बोल सकता है हाँ हाँ ये वाला एड्रेस यहाँ जाके एंड होता है। बट आप किसी से कंप्लीट एड्रेस तो नहीं बोलोगे ना, अरे आपके, आपको पता है मिस्टर बलाल कहाँ रहते हैं? तो बोलेगा हाँ पता है, हाँ मुझे उनका एड्रेस बताइए ना, मुझे वो लेटर पहुँचाना है। तो आप बोलोगे भाई साहब अगर आप बलाल जी को जानते हो तो आप उनसे एक बार कॉल कर लो, आपके पास तो कोई नंबर वंबर तो होगा, वो खुद ही आपको एड्रेस गाइड कर देंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोई आपको अचानक से फ़ोन करके बोलता है अच्छा आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर दीजिए, आपके पापा ने बोला है आपके अकाउंट में 15,000 रुपये डालने, अचानक से एक ब्लैंक कॉल जिसको आपके बाप का नाम भी नहीं पता, जिसको नहीं पता कि आपके पास कौन सा अकाउंट नंबर, आप कौन से देश में रहते हो, कुछ नहीं पता, बट सडनली एक कॉल आता है एंड दे आस्क फॉर अकाउंट नंबर। आप ये सब पर्सनल आइडेंटिफिएबल इन्फॉर्मेशन है एंड वी शुड नॉट गिव इट। तो आपको ऐसे सिनेरियोज लेके ही क्वेश्चन बनाने हैं। एग्जाम्पल है किसी को लिंक्डइन आईडी का ईमेल, लिंक्डइन में दिया हुआ ईमेल आईडी चाहिए। किसी को आप क्वेश्चन बनाते हो, आई वाज अबाउट टू सेंड अ रिक्वेस्ट, आई नो यू, कैन यू प्लीज, आई एम एक्चुअली आई एम अनेबल टू फिगर आउट योर न्यूमेरिकल्स इन योर ईमेल आईडी, कैन यू प्लीज लेंड मी दैट, या कैन यू प्लीज सेंड मी दैट। आप अपना लिंक्डइन में जो ईमेल आईडीज यूज किए हैं मुझे उसका आईडी बता देंगे कि लास्ट में जो आपने 3 लेटर्स यूज किए थे वो क्या था। ये पर्सनल है, हो सकता है वो लिंक्डइन हैक कर ले, हो सकता है उसी आईडी से वो कुछ और बैंक, वो आईडी कहीं बैंक से रिलेटेड और वो कुछ हैक कर ले। तो अगर उसको चाहिए ही कैन गिव हिज प्रोफाइल, अगर किसी दूसरे इंसान को ऐड करना है तो वो अपने आप ऐड कर सकता है, दिस इज द लीगल वे। बट आप किसी से डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? यस मैम, वो डोमेन चेंज कर सकते हैं। हाँ डोमेन चेंज होगा, आप क्वेश्चन क्या बना रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बना व्हाट इज माय नेफ्यूज सोशल, सो आई कैन बाय हिम अ सेविंग्स बॉन्ड फॉर हिज फर्स्ट बर्थडे। मेरे नेफ्यू का एड्रेस क्या है जिससे मैंने, मुझे एक सेविंग बॉन्ड बनाना है उसके फर्स्ट बर्थडे के लिए। तो नेफ्यू आ गया मतलब ये एक रिलेशन बेस्ड है। तो आप अपने डोमेन को सिलेक्ट करोगे फैमिली एंड रिलेशन, क्वेश्चन बनाओगे और उसके बाद ये क्वेश्चन आप जिसके संदर्भ में बना रहे हो उसी के ऊपर ही डोमेन का लिस्ट सिलेक्ट करोगे। डोमेन जब आप सिलेक्ट करोगे आपको लिस्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये मेन कैटेगराइज टॉपिक्स है, ठीक है? ओके मैम। किसी और को कुछ और पूछना है यहाँ पर वैसे तो चले? Let's go to privacy. Great. So privacy का मतलब क्या होता है? जब किसी का भी कोई malicious या फिर कोई violation होता है हमारे personal request, हमारे personal area space में किसी का भी interference होता है, unacceptable interference जो होता है हम उसको बोलते हैं privacy hacking।
या फिर प्रिवेसी ब्रीचिंग, तो जो रिक्वेस्ट जो कि हो सकता है इतना तो लिमिटेड होगा नहीं, बट हाँ कुछ मेजर कंसर्न है जैसे हैकिंग इनटू अकाउंट्स एंड डिवाइसेस, किसी असेसिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज किसी का कंसेंट फॉर्म हो गया, किसी का सिग्नेचर हो गया, या फिर किसी का बॉन्ड पेपर्स हो गया, दीज ऑल आर प्रिवेसीज. कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन कंपनीज का हो गया, अगर ये सब कोई किसी के साथ शेयर करता है तो उस टाइम पे क्वेश्चन कैसा बनता है. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है व्हाट ट्रैकर शुड आई यूज टू पुट ऑन माय फ्रेंड्स कार टू सी वेयर ही गोज ऑल द टाइम. ये नहीं है सही. हाउ कम दिस बी कंसर्न. आपका फ्रेंड कहीं भी जा सकता है एंड यू डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू ट्रैक हिम. नो वे. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो व्हाट डिवाइस आई कैन इंस्टॉल एट माय ब्रदर्स होम टू नो वेयर ही के इफ हिज मनी इज सेफ और नॉट. भाई उसका पैसा है वो कहीं भी रखे, वो उसका जिम्मेदारी है, आप उसके ऊपर नजर रखने वाले कोई नहीं होते हो, कोई भी नहीं होता. अगर उसको जिम्मेदारी देना होता तो वो खुद से ही आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता. या फिर एग्जाम्पल है हाउ अबाउट माई गर्ल, आई वॉन्ट टू नो इफ माई गर्लफ्रेंड इज डेटिंग टू अनादर पर्सन, सो शुड आई इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, विच सॉफ्टवेयर शुड आई इंस्टॉल इन हर फोन. ये सारा प्रिवेसी ब्रिच है. कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में गड़बड़ करना चाहता है, तो आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से बनेंगे. जब आपको प्रिवेसी मिलेगा आप ये 5 एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी डोमेन के अंदर यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस बना सकते हो. बट देन आपको ध्यान रखना होगा कि प्रिवेसी का ये जो मोटिव है किसी चीज को हैक करना, किसी चीज को किसी का प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिसयूज करना, जिस भी टॉपिक का लोगे आप ध्यान रखना कि उसमें कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन का मिसयूज, हैकिंग या फिर किसी का लाइफ रिस्क होना, इस तरीके का चीज यूज होना चाहिए. ठीक है गाइस, क्लियर है? यस मैम. यस मैम. अच्छा सिक्योरिटी. अच्छा प्राइवेसी कुछ हद तक, प्राइवेसी और जो आपका सिक्योरिटी है वो कुछ हद तक मैच होगा. प्रिवेसी और सिक्योरिटी में मैचिंग क्या है? सिक्योरिटी का मतलब होता है जिसको आप किसी पासवर्ड किसी अपने सेफर साइट के लिए जो रखते हो, जैसे आपका ऑनलाइन जो आप काम करते हो, बैंक्स पासवर्ड आईडीज, ये जो बैंक आईडी एंड पासवर्ड है ये पीआईआई में भी जा सकता है, बट कोई आपको वो पासवर्ड गेस करना चाहता है. एक होता है पीआईआई मतलब कोई जाके अपफ्रंटली पूछ रहा है भाई तो अपना पासवर्ड बता दे, या और सिक्योरिटी क्या होता है, कोई पासवर्ड को हैक करने के लिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है. हम लोग बहुत बार देखते हैं कि भाई हम लोगों ने तो अपना जो लोग यहाँ पे टीम लीड्स हैं अगर उनके पास एक एक वेबसाइट है, हम लोग अपने डेटाबेस में बहुत सारे सिक्योर्ड फीचर्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटाबेस हैक ना हो. अगर आपका डेटाबेस हैक होता है दैट मीन्स आपका सर्वर किसी ने हैक किया, तो सर्वर आईडी और पासवर्ड के साथ ओपन होता है, तो जब आईडी एंड पासवर्ड किसी ने हैक किया है दैट बिकम्स अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी. पॉलिटिशियंस वो लोग अपनी सिक्योरिटीज के साथ रहते हैं, अगर कोई आम इंसान सिक्योरिटी ब्रीच करके किसी पॉलिटिशियन को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की या फिर उनसे जाके जबरदस्ती धड़ल्ले से मिलने की कोशिश की, दैट इज अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी एंड दैट क्वेश्चंस कैन कम अप हियर. आपके फोन को किसी ने आप जबरदस्ती आपके फोन में कोई अपना आपका लॉक जो आपने लॉक डाला है वो लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है सॉफ्टवेयर डाल के फॉर्मेट करके किसी, ये आपका सिक्योरिटी ब्रिच है, ये पीआईआई में नहीं जाएगा, ये प्राइवेसी में भी नहीं जाएगा, बिकॉज समवन अनइंटेंशनली
इंटेंशनली एंड विदाउट योर कंसेंट उस चीज को वो हैक कर रहा है, दैट इज सिक्योरिटी. प्रिवेसी में कोई किसी दूसरे इंसान को आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन के बारे में पूछता है या पूछना चाहता है, और वो अगला इंसान किस तरीके से रिएक्ट करके देगा वो उसका मतलब होता है. PII में कोई अपफ्रंटली आपसे जाके बात करता है कि यस दिस इज द कंसर्न या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू. क्लियर है चीजें? कुछ और छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. अगर आप लोग अपने मन से जनरल क्वेश्चंस बनाते हो तो फिर तो उसमें हम लोग एक बात करते हैं MLA या फिर साइटेशंस. साइटेशंस का मतलब क्या होता है? बहुत बार हम लोग जैसे विकीपीडिया एग्जांपल, हम सिर्फ विकीपीडिया से ही रेफरेंस लेंगे. अगर हमें किसी टॉपिक पर नहीं मिल रहा है या फिर कोई एक आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या बात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विकीपीडिया पे सर्च करेंगे. तो अगर हम विकीपीडिया से सर्च करके कुछ लिखते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें वो रेफरेंस लिंक देना पड़ेगा और एक साइटेशन भी लिखना पड़ेगा. तो साइटेशन का फॉर्मेट क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ या लिखा गया, यहाँ पे एक विकीपीडिया का साइटेशन दिया गया. कैसे फॉर्मेट है आपका, ब्रैकेट, जो रेस्पॉन्स का लास्ट वर्ड होगा उसके बाद रहेगा ब्रैकेट, देन इन्वर्टेड कॉमा रहेगा. इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको लिखना है पेज टाइटल एंड डोमेन नेम. डोमेन नेम में कभी भी www. या फिर https. नहीं रहता है, उसके बाद से लेकर .org या .com जो भी होगा आपको वो लिखना है. अभी मैं अगर यहाँ पे डाल दूँ इसी सेम चीज को, ये देखिए इस पेज के नाम से है, ये आता है आपका पेज टाइटल. मान लीजिए आपने इसी पेज टाइटल में से कुछ ऐसे पढ़ के कुछ नेगेटिव, जिस टॉपिक जिस क्राइटेरिया में बताया गया, अगर मान लीजिए आपका सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है, आपने सिक्योरिटी के ऊपर कुछ किया, सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन बनाया, बट आपने टॉपिक लिया एनिमल, तो एनिमल के सिक्योरिटी के ऊपर आपने कुछ यहाँ पे पढ़ा और आपने कुछ एक नेगेटिव क्वेश्चन बनाया. तो आप जब साइटेशन लिखोगे तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे ये वाला चीज़ कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद आप देखिए hi.wikipedia.org, यही आपका डोमेन नेम है. आप ये जो https ये जो है ये आपका नहीं यूज होगा साइटेशन में. साइटेशन में सिर्फ इतना ही पार्ट आप यूज करोगे, ठीक है. जब आप साइटेशन जिस वाले सेगमेंट में साइटेशन लिखोगे, आपको उसी सेगमेंट में ऐसे ही इस लिंक को कॉपी करना है और जाके रेफरेंस लिंक में इस तरह क्लिक करोगे तो आपको ये लिखा हुआ आएगा. देन कंफर्म करोगे तो आपको यहाँ पे पार्शियल कॉपी क्लिक करके यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट करना है एंड देन ऐड करना है. यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है मैं, इसलिए यहाँ पे कुछ छेड़ नहीं रही हूँ. आपको इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है. करेक्ट है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनाया जिसमें आपने विकिपीडिया का हेल्प नहीं लिया है, देन आपको कोई साइटेशन या रेफरेंस लिंक भरने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत ही जनरल क्वेश्चन है तो. किसी को अगर कुछ समझ मीटिंग आपका जो इंस्ट्रक्शन पार्ट है वो एंड हो चुका है. क्वेश्चन हमेशा ऐसे कुछ डिटेल्ड में रहेगा, आंसर हमेशा डिटेल में लिखना. प्लीज आंसर कोई भी एक या दो लाइन में एंड करने की मत सोचना, एटलीस्ट 3-4 लाइन का एक आंसर होना चाहिए, ठीक है.